नमस्कार, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और स्मोकिंग और इसका क्या इफेक्ट आता है आपकी फर्टिलिटी पे, स्पेशली विमेन की फर्टिलिटी पे। बहुत बार होता है स्ट्रेस की वजह से हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए स्मोकिंग की हेल्प लेने लगते हैं। आप ये देखेंगे कि थोड़े समय के लिए मे भी आपको हेल्प करेगा, पर इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, वो बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। ओरल कैंसर, लंग कैंसर, ये सब तो हमें पता है। ये आप इवन सिगरेट के पैकेट पे इसकी पिक्चर बन के आती है, ये सबको पता है इस बारे में। लेकिन हमें शायद ये नहीं पता कि इसका आपकी फर्टिलिटी पे कितना इफेक्ट आता है। औरतों की एग क्वालिटी पे, इवन यूट्रस की लाइनिंग में निकोटिन डिपॉजिट्स मिले हैं, जिसका प्रेगनेंसी होने में, बच्चे की ग्रोथ होने में सब में असर आता है। इनफैक्ट इससे अबॉर्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे किए हैं जिसमें क्रॉनिक स्मोकिंग की वजह से उनका ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है, नंबर ऑफ एग्स कम हो गया, उनकी फर्टिलिटी इफेक्ट हुई है। सो रादर देन मूविंग टू स्मोकिंग टू रिड्यूस द स्ट्रेस, यू शुड थिंक ऑफ अदर मेजर्स लाइक एक्सरसाइज और यू नो एनी अदर बेटर हॉबी विच कैन हेल्प टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। थैंक यू।